ओम नमः शिवाय। शिवा अपनी मेल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। शिवजी द्वारा गणेश का सिर छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सुत जी कहते हैं, तारका कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सद वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र। सुत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि सनी की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह अल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुनि, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी है। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियाँ उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, अभी सभी गण रुद्र के ही है। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहिते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देख कर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचनों को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यों विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, अब मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के यूँ पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। सेवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस
समय उनके सुंदर रूप को निहारकर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पर वश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुक तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय चाहे यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम सब के कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यों कहे जाने पर भी गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूँ कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वार पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिराज गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलत करना चाहा, इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे भी कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणि महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता जो शिव जी के पक्ष में आ गए और घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा स्वयं शूलपाणि महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने की लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में अपने और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले, देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारम्बार प्रणाम है, अम्बे तुम्ही आदि शक्ति हो, तुम्ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण कर्त्री वाली का शक्ति और संहार करने वाली
हो देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोक की विफल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूँ तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परा देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित है, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्म विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, सभी देव ऋषियों के कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली, देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यूँ कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिले सके वही करना चाहिए, अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी के आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने यह वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को तो धो पहुँच कर विधिवत उसकी पूजा की, फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिव आज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्म विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं आपका वही तेज वेद मंत्र के वियोग से इस बालक में प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को विमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का अंगहरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। ओम नमः शिवाय।